हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में, जहाँ पे हमने वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर दिया था। और वेक्टर स्पेस का हमने 3 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको वेक्टर स्पेस समझा दिया है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स थ्योरम्स। तो आज हम वेक्टर सब स्पेस पढ़ने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा आज टॉपिक है वेक्टर सब स्पेस। इसमें समझेंगे वेक्टर सब स्पेस होता क्या है, इसके कौन कौन से थ्योरम्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है वेक्टर सब स्पेस, बहुत ही आराम से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। तो इसको डेफिनेशन को पहले समझना है आपको बहुत आराम से, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे आराम से। सपोज आपके पास, हमने मान लिया कि वेक्टर स्पेस वी एफ है, ठीक है। वेक्टर स्पेस हमारे पास एक बॉक्स की तरह, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँगा आपको कि वेक्टर, हम एक W ले रहे हैं, एक W हमने माना, सपोज W एक है जो कि सबसेट है, सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस का। V का सबसेट कौन है, W, W इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो सपोज ये डब्बा जो हमने बनाया V बनाया, और यहाँ पर क्या होगा, अंदर में एक W नाम का एक सबसेट है। अब ये जो W है, सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस का V का, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसेट कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इसे प्रूफ करना है कि W भी एक क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए जितने भी क्राइटेरिया मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाए थे, अबेलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जितने भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारा जीरो वेक्टर, सारा सेटिस्फाई हो जाता है, मींस वेक्टर स्पेस के सारे क्राइटेरिया को अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है, देन हम कह सकते हैं कि ये W जो है वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है इसका मतलब क्या है, V के अंदर है, सबसेट है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड वैक्टर सब स्पेस। तो ये तब कहलाएगा हमारा W इज अ वैक्टर सब स्पेस। कब कहलाएगा, जब ये सबसेट हो, वैक्टर स्पेस के अंदर आता हो, और इसके सारे एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दे, तब उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर सब स्पेस। अब आपको समझ आ गया होगा, अब एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, डेफिनेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सीखते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसका, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर the field f comma plus comma dot, ये होता है represent करने का तरीका। then a non-empty subset wf is called वेक्टर सब स्पेस। अब वेक्टर सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन, सपोज अगर अल्फा बिलोंग्स टू W, मतलब अल्फा एक एलिमेंट है W का, और बीटा भी एलिमेंट है W का, देन अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, W में। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है इसमें, सेकेंड कुछ ये है कि अल्फा अगर बिलोंग करता है हमारा W से, और A लिया हमने एक एलिमेंट, वो बिलोंग करता है फील्ड से, देन A मल्टीपल डॉट अल्फा क्या हो जाएगा, ये बिलोंग करेगा W से, किसे बिलोंग करेगा, ये W से। सेम क्राइटेरिया जो वेक्टर स्पेस में है वही है यहाँ पे। या फिर अब या तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो, या एक कंडीशन और होता है हमारे पास कि अगर a जो है a कॉमा b बिलोंग्स टू फील्ड एज वेल, और हमारा अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू w हो जाएगा, तो यहाँ से क्राइटेरिया आता है, यहाँ से हम कह सकते हैं a अल्फा प्लस में b बीटा बिलोंग्स टू w। ये जो क्राइटेरिया है इसे भी अगर आप शो कर देते हो तो ये वेक्टर सब स्पेस का क्राइटेरिया, ये दोनों शो करना पड़ेगा इसमें आपको, या फिर अगर सिंगल शो करना है तो आपको इस प्रॉपर्टी को शो करना है, देन ये वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं ताकि आपको हेल्प होगा समझने में। यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम है कैपिटल वी, क्या है, कैपिटल वी। इसके अंदर एक हमने सबसेट ले लिया, दैट इज डब्लू। तो आपको एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है,
डब्ल्यू इज सेट टू बी वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी इफ डब्ल्यू इज इट्सेल्फ अ वेक्टर स्पेस। ये आपको ध्यान रखना है, छोटा सा नोट है, नोट डाल के भी आप लिख सकते हो उसे। तो यहाँ पे ये नोट हो गया हमारे पास। वेक्टर सब स्पेस के टॉपिक में क्वेश्चन आपका डेफिनेशन के बेसिस में बहुत कम ही आता है, थ्योरम्स के बेसिस में आएगा। किस बेसिस में आएगा? थ्योरम्स का। थ्योरम्स बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। थ्योरम्स मेन क्वेश्चन इस तरीके से बना गया है ये, कि इसमें आपको नेसेसरी कंडीशन और सफिशियंट कंडीशन दोनों को मेंशन करना होगा। पहले ये पॉइंट आपको समझना है थ्योरम्स में, प्रमेय में आपको ये समझना है कि आपको नेसेसरी कंडीशन और सफिशियंट कंडीशन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे हम पहले। उसके बाद इसमें प्रूफ क्या करना है, कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस टू बी सब स्पेस ऑफ V, मतलब ये बोल रहा है कि W इज अ वेक्टर सब स्पेस, ये हमें प्रूफ करना है। इसका कहने का मतलब ये है कंडीशन का, जिसमें हम नेसेसरी कंडीशन और सफिशियंट कंडीशन को भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और किस तरीके से हमको प्रूफ लाइन से करते जाना है ये मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को लेकर चलते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन लेना है हमें। तो सबसे पहला पॉइंट डालना है आपको इस तरीके से, द नेसेसरी द कंडीशन आर नेसेसरी सपोज डब्ल्यू इज वेक्टर सब स्पेस हमने माना है ऑफ V। पहले हमें यह दिखाना है कंडीशन क्या नेसेसरी है वेक्टर सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए। इसका कहने का मतलब ये है, देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या करना है हमें प्रूफ। पहला पॉइंट कुछ ये है इसका, कि सपोज अल्फा एंड बीटा जो है बिलोंग करता है W से। इसका मतलब ये है कि फिर वो ऐड करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तब क्या है W से ही बिलोंग करेगा। पहला कंडीशन ये कहता है हमारा, जहाँ पे फॉर ऑल अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू W। अब सेकंड में आ जाते हैं इसके, अब सेकंड कंडीशन में A बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज A मल्टी डॉट अल्फ़ा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये तो डेफिनेशन का ही लिया हमने पॉइंट, अब लॉजिक असली शुरू होने वाला है। क्या क्या हम लॉजिक लेते हैं वो देखते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में हमारा, सफिशिएंट कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट मान लेते हैं अल्फा बिलोंग किस में करता है, अल्फा एक एलिमेंट है किसका, W का, और बीटा भी एक एलिमेंट है W का। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, पहला आ गया। एंड सपोज A बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू W, देन A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल A बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा बिलोंग्स टू W।
यहाँ तक आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रूफ करना है हमें वेक्टर सब स्पेस, डब्ल्यू इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। अब हमें ये प्रूफ करना है सफिशियंट कंडीशन में। सेकेंड पॉइंट डालना है आपको सफिशियंट कंडीशन, देन वी हैव टू प्रूव दैट W is a vector subspace of capital V. For this condition, ये प्रूफ करने के लिए हमें for this we have to show that, हमें यह प्रूफ करने के लिए अब यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वेक्टर स्पेस W एक खुद वेक्टर स्पेस है। W itself a vector space, ये हमें पहले शो करके दिखाना होगा। इट मीन्स पहला इस कंडीशन को शो करने के लिए हमें वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें यह पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि W एक खुद वेक्टर स्पेस है। अगर वो वेक्टर स्पेस है तभी वो वेक्टर सब स्पेस होगा, ठीक है। तो पहले हम प्रूफ करते हैं कि वेक्टर स्पेस है। तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया क्या होगा हमारे पास, पहला क्राइटेरिया ये कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू होना चाहिए, साथ ही बीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, डब्लू होना चाहिए। देन वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, बिलोंग करेगा डब्लू के अंदर। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, ओके। देन वी हैव टू सेकेंड पॉइंट हमें प्रूफ करना पड़ेगा। व्हाट इज सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे सपोज करना है आपको लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यहाँ पे क्या करना है आपको, वेक्टर सब स्पेस में जितने भी कंडीशंस हैं, जितने भी कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम प्रूफ कर देंगे। दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर स्पेस, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। वेक्टर स्पेस हमारा साबित हो गया तो उसके बाद हम वेक्टर सब स्पेस के क्राइटेरिया में लग जाएंगे। कैसे प्रूफ करना है उसे, आपको मालूम है कि अल्फा बीटा गामा हमने डब्ल्यू में लिया, दैट मीन्स डब्ल्यू तो सबसेट है। इसका मतलब ये अल्फा जो है बीटा भी है और ये गामा जो है ये खुद वेक्टर वी में होगा, होगा ये डेफिनेटली होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर दो, जिसमें ये करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा। फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब थर्ड कंडीशन ये है कुछ कि इसमें एक वन लेंगे हम, वन बिलोंग्स टू फील्ड, दैट मीन्स वी कैन से दैट माइनस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू फील्ड। अगर वन फील्ड का है इसका मतलब क्या होगा कि माइनस वन भी फील्ड से बिलोंग करेगा, और अगर माइनस वन फील्ड से बिलोंग करेगा, अब यहाँ पे आप मान लो कि अल्फा जो है ये W से बिलोंग करता है, ये मान लिया हमने, यहाँ को लिखना लेट माना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है, तो माइनस वन डॉट अल्फा, तो यहाँ से ये किससे बिलोंग करेगा, W से। देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर एडिटिव इनवर्स of each element of W is also in W। ये कंडीशन हो गया पहला, थर्ड पॉइंट तक कर लिया था। अब फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू W एंड माइनस अल्फा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W, देयर फॉर द कंडीशन अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू W। ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से। इसके बाद फिफ्थ कंडीशन, यहाँ पे आप बॉक्स बनाते जाना, यहाँ पे जो क्राइटेरिया आ रहा है इसे बॉक्स बनाओ ताकि हाईलाइट हो और टीचर को भी समझ आए कि आपने प्रूफ अच्छे से किया है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है, अल्फा बिलोंग्स टू W, इफ़ अल्फा बिलोंग्स टू W एंड बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, फॉर ऑल अल्फा प्लस अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है। हमने पांचों पॉइंट क्या किया, हमने प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स ये वेक्टर स्पेस का सभी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वेरीफाई करता है। इट मीन्स ये वेक्टर स्पेस है और सब स्पेस के कंडीशन हमने पहले ही प्रूफ किया ऊपर में। सो यहाँ पर आपको लिखना है एंड रेस्ट, अब जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, rest of all properties are satisfied या verified
देयरफोर वी कैन से दैट डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस एंड इट इज ऑल्सो अ वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। हैंस प्रूफ्ड, हमने प्रूफ कर दिया कि वेक्टर सब स्पेस है वी का। तो ये होता है तरीका आपको एग्जामिनेशन में लिखने का। अब अगला थ्योरम करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेम तरीके का ही है, इससे आपको वेक्टर स्पेस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सेकेंड थ्योरम है, सेकेंड प्रमेय। ये क्या है थ्योरम? थ्योरम ये है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी अ सब स्पेस ऑफ वी आर। कंडीशंस ये दिए हैं, ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है, इसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा और ये कंडीशंस को हमें लेके चलना है, ये हमारा प्रूफ है, इसे हमारा थ्योरम है। अब इसे कैसे प्रूफ करना है ये मैं बताऊंगा। सेम ये चीज़ है इसमें कि वेक्टर सब स्पेस हमें इसमें प्रूफ करना है, ठीक है, इस कंडीशन के साथ, इसे लेके मतलब इसका यूज़ करके हमें करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। The condition are necessary इसमें क्या रहेगा, पहला if suppose alpha belongs to W है और beta belongs to also W, then we can say that alpha minus beta belongs to W for all alpha beta belongs to W। ये हमारा हो गया पहला condition। अभी कैसे आया, हमने इसी को लिखा, लेकिन ये कैसे आया, यहाँ अगर अल्फ़ा बिलोंग्स टू बीटा है इट मीन्स दैट कि माइनस बीटा ऑल्सो बिलोंग करेगा डब्लू का, ठीक है। अगर हमसे डायरेक्ट ना लिखें तो कैसे लिखेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। अगर अल्फ़ा बीटा डब्लू से बिलोंग करता है इट मीन्स दैट कि माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू ऑल्सो एंड माइनस बीटा भी क्या करेगा डब्लू से बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ पे हम लेंगे क्या, सपोज लेट हम लेने वाले हैं अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू और माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। क्यों लिए ऐसा माइनस बीटा, फिर माइनस शो करके दिखाना है यहाँ पे, तो ऐड कर दो अब इसे अल्फ़ा प्लस में फिर माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, ये हमने शो करके दिखा दिया फॉर ऑल अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। और इसी को और चेंज करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, ये पहला कंडीशन हो गया हमारा। अब सेकेंड कंडीशन, If suppose A belongs to field and alpha belongs to W, then इसका multiply कर दो A dot alpha, alpha ये क्या होगा belong करेगा W से for all A belongs to field and alpha belongs to W। अब यहाँ पर आपको लिखना है second point, sorry यहाँ पर आपको heading डालना है। अब यहाँ पर आपको heading डालना है the sufficient condition। पहले इसी को लिख दो, पहले पहला ये जो गिवन है थ्योरम से कैसे आपको प्रूफ करते चलना है, क्या ट्रिक है ताकि आप थ्योरम को क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रहे, क्वेश्चन भी आपको ध्यान रहना चाहिए, साथ ही कैसे आप प्रूफ करते जाएंगे, क्या मेथड है, क्या तरीका है प्रूफ करने का, ये आपको क्वेश्चन में ही हेल्प मिल जाएगा, क्वेश्चन को लेते हुए चलिए। अब जैसे कि सफिशियंट कंडीशन में थ्योरम को मुझे बड़ा करना है तो कैसे करूँगा मैं, पहले मुझे इसके लिखना है, इसे लिखते हैं, पहले लिख दो इसे एज इट इज़, alpha belongs to W and beta belongs to W, then we can say that alpha minus beta जो है ये भी W से belong करता है, got it, ये समझ आया आपको। and इसके बाद second point, A belongs to field as well, alpha belongs to W, then we can say that A dot alpha belongs to W, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, then we have to prove that W is vector subspace of V। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या रहेगा इसमें, alpha belongs to W, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस अल्फा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, माइनस अल्फा भी क्या है डब्ल्यू से बिलोंग करता है। इन दोनों को एडिशन वाला लगाने के बाद अल्फ़ा प्लस में माइनस अल्फ़ा ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देन वी कैन से दैट, इसको सॉल्व करोगे
अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू डब्लू, पहला कंडीशन, फॉर ऑल अल्फा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू। सेकेंड पॉइंट, जीरो बिलोंग्स टू डब्लू मानना है और अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू। अब इसे क्या करना है, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, तो यहाँ से क्या करो आप, यहाँ पे इसको ऐड कर दो, यहाँ पे इसको ऐड कर दो आप, तो जीरो माइनस, यहाँ पे वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर माइनस बिलोंग्स टू डब्लू, दैट मीन्स कि माइनस अल्फा डब्लू से बिलोंग करता है, देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, देन माइनस अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, थर्ड कंडीशन में आते हैं। अब इसके थर्ड कंडीशन में अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू एंड बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, देन आपको मालूम है कि अल्फा डब्लू सही करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस बीटा ले सकता हूँ, माइनस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्लू। अब इसे क्या करते हो आप, सब्ट्रैक्ट लगा दो इसमें, इस बार अल्फा माइनस किया हमने, फिर माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या लेंगे हम यहाँ पे, फोर्थ कंडीशन ये रहेगा हमारा, अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू एंड बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक, अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू और बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, तब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, आपको मालूम है कि ये अगर W के अंदर, W किसका सबसेट है, वेक्टर का, V का सबसेट है W, मतलब V के अंदर आता है W, और W के जितने भी एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये अल्फा एंड बीटा ऑल्सो और वेक्टर स्पेस, ये V के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। और पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू डब्लू, देन वी कैन से दैट अल्फा बीटा और गामा किससे भी बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस से भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस गामा, प्रॉपर्टी लगा दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग गया इक्वल का, फॉर ऑल अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू डब्लू। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी, एक प्रकार से थ्योरम इतना आसान है ये वाला कि इसमें आपको अपने मन से आप ले सकते हो और प्रूफ कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरम याद करना है, ऐसा आप समझ के कोई भी एलिमेंट लो, प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए, प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में है तो आप डेफिनेटली आप बना लोगे। ठीक है, तो अब हम सिक्स प्रॉपर्टी आ गए हैं, सिक्स प्रॉपर्टी में हम क्या लेंगे अब देखते हैं इसे। सिक्स प्रॉपर्टी हमारा ये होगा, ए लेते हैं फील्ड से, ये हमने फील्ड से लिया, साथ ही अल्फा ले लो आप डब्लू से। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू। तो ये हमारा सिक्स, छः पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी सेटिस्फाई होना ही है। ठीक है, इतने मेन पॉइंट्स हैं आपको थ्योरम को शो करने के लिए, हमने पूरा अच्छे से किया, ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ आपको एक लाइन लिखना होता है लास्ट में, रेस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड rest of all properties are satisfied in W because each element of W is also in V, therefore we can say that W is vector space, and if W is vector space then we have proved that it is also a subspace of V, and it is subspace of V, vector subspace of V. ठीक है, तो यहाँ से हमारे थ्योरम कंप्लीट हुआ, ये प्रूफ हुआ, ये वेक्टर स्पेस का टॉपिक है हमारा। हो सकता है कि हम वेक्टर स्पेस का एक एग्जांपल भी लेके आए, या फिर मैं एग्जांपल क्या करता हूँ, चैप्टर के लास्ट में पूरे एग्जांपल्स को समझाता हूँ, तो ये टेक्निक भी सही है। सो गाइज, आपको एग्जामिनेशन में इसी तरीके से लिखना है। और गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया, क्लासमेट्स तक शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, आपको समझ आया कि नहीं आया, अपना जरूर फीडबैक दीजिए हर लेक्चर के नीचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में टॉपिक के साथ।